दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम यूनियन बजट 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। मैं आपको यहां पर इतने क्वेश्चंस कराऊंगा कि आपके एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो काफी कुछ आपको दोस्तों सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 फरवरी 2020 को जो यूनियन बजट है ये जारी किया गया, और जो फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री की बात की जाए जिन्होंने इस बजट को पढ़ा तो इनका नाम है निर्मला सीतारमण जी। और अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस ये कौन है तो इनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, तो ये दोनों ही पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा जरूरी आपके लिए हो जाते हैं। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। एक चीज़ आपके लिए बहुत जरूरी चीज़ ये है कि प्रोमिनेंट थीम्स ऑफ बजट, जो ये बजट पूरा बना है इसकी प्रोमिनेंट थीम जो है वो क्या है, वो है ईज ऑफ लिविंग, जिसके तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि है एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग सोसाइटी। तो एस्पिरेशनल इंडिया के अंदर क्या क्या शामिल है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके बाद वेलनेस, वाटर एंड सैनिटेशन, इसके बाद है एजुकेशन एंड स्किल्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ एक बार आप पढ़ लेना। अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो इसमें इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और न्यू इकोनॉमी की बात की गई है। केयरिंग सोसाइटी की बात करें तो वुमेन एंड चाइल्ड सोशल वेलफेयर, कल्चर एंड टूरिज्म और इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस बहुत जरूरी मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। तो पहले आप ये देख लें कि जो एक्सपेंडिचर है वो किस तरीके से एलोकेट किया गया है। आपसे अगर पूछा जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय को कितना फंड आवंटित किया गया है तो ये आपका जो डेटा है वो सारा है करोड़ में। ठीक है, तो 1.6 लाख करोड़ समथिंग है, यहाँ पर 1,67,250 करोड़। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि रक्षा मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इसको कितना फंड एलोकेट किया गया है तो यह है 4.7 लाख करोड़। ठीक है, 4,71,378। ओके, अब अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की बात की जाए तो यह कितना है, यह 72,216, मतलब रेल मंत्रालय को 72,216 करोड़ का फंड एलोकेट है। अगर आपसे पूछा है कि हाउ मच फंड एलोकेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मतलब कृषि और किसान कल्याणकारी मंत्रालय को जो फंड एलोकेट हुआ है वो कितना है, 1.4 लाख करोड़। ठीक है, 1,42,762। ठीक है, अगर यहां पर पूछा जाए कि हाउ मच फंड एलोकेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को कितना फंड एलोकेटेड है तो ये कितना है, 91,000। ठीक है, 91,823। अगर यहाँ पर क्वेश्चन होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स तो जो एक्सपेंडिचर एलोकेटेड है वो कितना है, ये है 50,040 करोड़। ठीक है, हाउ मच फंड एलोकेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को, ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को जो कितना फंड आवंटित किया गया है तो यह है 67,112। ठीक है, यहाँ पर और है मानव संसाधन मंत्रालय को कितना फंड एलोकेट किया गया है, 99,312। ठीक है, ये आप नोट कर लें कि जो अगर आपसे पूछा है कि एजुकेशन सेक्टर पर कितना सरकार जो है फंड एलोकेट किया है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 99,000 करोड़। ठीक है, 99,312 करोड़। अगर बात की जाए ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये कितना है, 1.2 लाख करोड़। ठीक है, तो 1,22,398 करोड़। ठीक है, यहाँ पर है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके लिए कितना है, 1.2 लाख करोड़, मतलब 1,24,534। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो आंकड़े हैं आप केवल लाख में याद रख लेना, पूरे पूरे ना याद हो पाए। तो 1.2 लाख करोड़, ये भी 1.24 लाख करोड़। ठीक है, ये कितना है, 99,000 करोड़। ठीक है, समथिंग ये इन्हीं के आसपास में आपको अपनी वैल्यूज रखनी है। ओके, अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग शामिल कर रहे हैं। हाउ मच अमाउंट एलोकेटेड फॉर वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, ठीक है, जो महिलाओं के लिए वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं इनके लिए 28,600 करोड़ रुपए जो है ये इस बजट में जो है प्रस्ताव पारित किया गया। ओके, टेबलिंग द यूनियन बजट फॉर दिस ईयर, मिस सीतारमन सेड द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम हैड यील्डेड ट्रिमेंडस रिजल्ट्स, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम थी इसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, और जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है गर्ल्स का बॉयज़ की तुलना में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर बात करें लेवल ऑफ एजुकेशन में जो गर्ल्स
का जो रेशियो है इनरोलमेंट रेशियोज वो बॉयज से ज़्यादा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के ऊपर सरकार ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और 28,600 करोड़ का यहाँ पर जो अमाउंट है ये एलोकेटेड किया है, ठीक है। एक पॉइंट और नोट कर ले, गवर्नमेंट एलोकेटिंग रुपीज 35,600 करोड़ फॉर न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम्स। मतलब सरकार जो क्या कर रही है कि महिलाओं के लिए अच्छा पोषण मिले, ठीक है, अगर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी उनके लिए अच्छे न्यूट्रिशंस आंगनबाड़ी जो महिलाएं हैं उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाए, तो इसके लिए सरकार ने बहुत बड़े कदम उठाए हैं और 35,600 करोड़ का अमाउंट एलोकेट किया गया है न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। ये लिखा है 35,600 करोड़ एलोकेटेड टू द न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम्स फॉर फिस्कल ईयर दिस वन, ठीक है। न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन प्रेग्नेंट वुमेन पोषण अभियान वॉज लॉन्च, ओके। मोर देन 6 लाख आंगनबाड़ी वर्कर्स इक्विप्ड विद स्मार्टफोन टू अपडेट द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ 10 करोड़ हाउस होल्ड, ठीक है। क्या हुआ है कि जो आंगनबाड़ी महिलाएं हैं इनको मोबाइल फोन दिया गया और इन्होंने जो डेटा अपलोड किया है वो है 10 करोड़ हाउस होल्ड का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर सरकार ने बहुत बड़ा यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट किया है, ओके। तो ये भी आप नोट कर ले, मोर देन 6 लाख स्मार्टफोन इक्विप, ठीक है। अगर आपसे पूछा है कि कितनी जो है कितने लाख अगर हमसे पूछा जाए मोबाइल फ़ोन की बात की जाए तो 6 लाख स्मार्टफोन इक्विप आंगनबाड़ी वर्कर्स ने कितना 10 करोड़ लोगों का जो डेटा है वो सर्वर पे अपलोड किया और बताया इसके बारे में, ठीक है। और टोटल न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए 35,600 करोड़ का अमाउंट एलोकेट किया गया, ओके। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये यहाँ से देखो थ्योरी पोर्शन जो मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GeM इज मूविंग अहेड फॉर क्रिएटिंग अ यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम इन द कंट्री फॉर प्रोवाइडिंग अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स सर्विसेज एंड वर्क्स, ठीक है। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि 27,300 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स फॉर द ईयर ऑफ दिस वन, ठीक है। मतलब 27,300 करोड़ रुपए ये सरकार जो है प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में लगा रही है ताकि जो और भी ऐसी सुविधाएं जो ई मार्केट प्लेस है इसको बढ़ावा मिल सके और जो प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स है, ठीक है, ये और भी अच्छे तरीके से हो सके। इट ऑफर्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर MSMEs, 3.24 लाख वेंडर्स आर ऑलरेडी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, इट्स सपोज टू टेक इट्स टर्नओवर टू 3 लाख करोड़। तो लगातार सरकार चाह रही है कि किसानों के टच में रहे और उनका जो क्रॉप है या उन्होंने जो चीज़ें उगाई हैं उनको एक सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया जाए, इसके लिए सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं और 27,300 करोड़ का अमाउंट एलोकेट किया है फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है। इतना आप नोट कर लें। अंडर द थीम इकोनॉमिक डेवलपमेंट द सेकेंड फोकस इज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सरकार के बड़े कदम हैं। यहाँ पर आयुष्मान भारत के लिए कोई भी रिजर्व जो है मतलब एक तरीके से कोई बूस्ट नहीं किया गया, मतलब यहाँ पर कोई पैसा एलोकेट नहीं किया गया, जो लास्ट ईयर था वही है। लेकिन ज़रूरी चीज़ क्या है कि आयुष्मान भारत का जो दायरा है वो बढ़ाया जाएगा और 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो है जहाँ पर जो है कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल इम्पैनल नहीं है PMJY के अंतर्गत, तो इनको चुना जाएगा, ठीक है। तो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, इनको सेलेक्ट किया जा रहा है और इसमें जो है जो इम्पैनल नहीं है तो उनको आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या कहा जाए कि निर्मला सीतारमण जी स्टेटेड दैट Tier 2 and Tier 3 सिटीज हैव लो नंबर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स इम्पैनल फॉर PMJAY, मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बात की जाए यहाँ पर आयुष्मान भारत की, तो इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है और 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें और भी अभी आगे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई है कि Tier 3 cities have low number of private hospitals impaneled for PMJY and it is a barrier for poor people to gain access to the medical care. That is why government क्या कर रही है कि इसका दायरे को बढ़ा रही है, ओके। यहाँ पर और भी जरूरी चीज़ है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रपोज टू इंक्रीज द इंश्योरेंस कवर फॉर बैंक डिपॉजिटर्स टू ₹5 लाख फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 1 लाख। पहले क्या था, 1 लाख का अमाउंट था, ठीक है, लेकिन अब जो DICGC है, ठीक है, वो आपका अमाउंट जो है बैंक में जमा है उसकी कितनी इंश्योरेंस की गारंटी लेता है, वो लेता है 5 लाख रुपए की, पहले ये सीमा थी 1 लाख रुपए, ठीक है। तो यहां पर आप नोट कर ले, DICGC जो है ये
आरबीआई की एक सब्सिडरी है जिसकी फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ठीक है। द डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम कवर्स ऑल बैंक ऑपरेशन इन द कंट्री इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर कोऑपरेटिव एंड ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक्स इन द इंडिया। द स्कीम इंश्योर्स ऑल कैटेगरीज ऑफ द बैंक डिपॉजिट इंक्लूडिंग सेविंग्स फिक्स्ड एंड रिकरिंग डिपॉजिट एंड द डिपॉजिट आर इंश्योर्ड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो लिमिट बढ़ा दी गई है, 5 लाख कर दिया गया, पहले ये दायरा कितना था, 1 लाख का था, ठीक है। यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैज एलोकेटेड ₹100 करोड़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ G20 प्रेसिडेंसी मीट विच विल बी हेल्ड इन इंडिया इन 2020, मतलब 2022 में G20 का मीटिंग जो है इंडिया में है, इसके लिए विशेष प्रबंध करते हुए 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ का जो है एलोकेशन किया गया है। यहाँ पर और भी चीज़ें बताई गई हैं क्यों किया गया है। आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट इंडिया विल होस्ट G20 प्रेसिडेंसी इन द ईयर 2020, मतलब 2022 में भारत जो है G20 की जो है मेजबानी कर रहा है, which will be the India's 75th anniversary of an independent nation, जहाँ पर हमारा राष्ट्र जो है 75वीं सालगिरह भी मनाएगा। During this presidency, India would be able to drive considerably the global economic and development agenda, ठीक है। For this historic allocation, इन्होंने जो fund allocate किया है वो कितना है, 100 करोड़ का है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन टूरिज्म से पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि अभी कौन कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जिनको आइकॉनिक स्टेटस दिया गया है, तो आप देख लो 5 आर्कियोलॉजी साइट्स टू बी डेवलप फॉर द वर्ल्ड क्लास म्यूजियम्स, लाइक ये है राखीगढ़ी हरियाणा, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, और शिवसागर असम, और धोलावीरा गुजरात, और ये है अदिचनलोर, ठीक है, ये तमिलनाडु। तो ये जो सारी की सारी 5 है, ठीक है, इनको वर्ल्ड क्लास म्यूजियम्स में डेवलप किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए 5 जो है साइट्स हैं इनको चुना गया है, ठीक है। ₹2500 करोड़ फॉर द टूरिज्म प्रमोशन, अगर आपसे पूछा है कि टूरिज्म प्रमोशन के लिए सरकार ने कितना पैसा एलोकेट किया है, तो यह है 2500 करोड़, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट है निर्भीक स्कीम, इसको अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। ये बेसिकली स्कीम है क्या, इसके फुल फॉर्म से भी आपसे क्वेश्चन बनेगा, तो NIRVIK, अगर आपसे बात की जाए कि ये निर्वीक क्या है, ये है निर्यात ऋण विकास योजना, ठीक है, निर्यात ऋण विकास योजना। तो निर्वीक स्कीम टू प्रोवाइड हाई इंश्योरेंस कवर फॉर एक्सपोर्टर्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसके फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दिस स्कीम टू प्रोवाइड द इनहांस इंश्योरेंस कवर एंड रिड्यूस प्रीमियम फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर्स, ठीक है, जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स हैं इनके लिए प्रीमियम रिड्यूस, ठीक है। ये जो निर्वीक योजना है ये इसीलिए लाई गई है, टू अचीव हायर एक्सपोर्ट क्रेडिट डिस्पर्समेंट अ न्यू स्कीम इज बींग लॉन्च विच प्रोवाइड्स फॉर द हाई इंश्योरेंस कवर रिडक्शन इन प्रीमियम फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर्स एंड सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स टू क्लेम सेटलमेंट्स, ठीक है, ये नोट कर लें। और ये स्कीम जो है प्रिपेयर किसके द्वारा की गई है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया। क्या है कि सरकार जो है जो नॉन गेजेटेड पोस्ट है इनके रिक्रूटमेंट के लिए NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इसको ला रही है। आने वाले दिनों में इसका भी प्रस्ताव आया है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो लाइक SSC और बैंकिंग एग्जाम्स हैं आपके, और भी जो नॉन गेजेटेड पोस्ट होती है वो सारी की सारी एक इंडिपेंडेंट जो है बॉडी लाइक NRA ये कराएगी, तो ठीक है। अभी बहुत सारे क्लॉजेज आएंगे जिसमें बताया जाएगा कि ये किस तरीके का पैटर्न होगा, क्या एग्जामिनेशन का मॉड्यूल होगा, कैसे कैसे एग्जाम होगा, प्री होगा, मेंस होगा, व्हाटएवर होगा, वो सारी डिटेल आपको बाद में मिलेंगी, ठीक है। तो ये कहा जाए कि एक राष्ट्र एक एग्जाम के तौर पर इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है गवर्नमेंट से इन्होंने कहा है, ठीक है, कि डबल फार्मर इनकम बाय 2020, मतलब 2022 तक हम किसानों की जो आय है उसको डबल कर देंगे, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, ओके। द मिनिस्टर सेड द गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग अ 16-पॉइंट एक्शन प्लान टू बूस्ट द एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। साथ में ये भी नोट कर लें कि एक 16-सूत्री एक्शन प्लान जो है ये सरकार बना रही है, जिससे कि एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिल सके और इनको बूस्ट किया जाए। और साथ में एक डेडलाइन भी दे दी कि 2022 तक हम किसानों की जो आमदनी है इसको दुगना कर देंगे। यहां पर इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट एक्सपेंड्स PM कुसुम स्कीम फॉर सोलर पंप्स टारगेट टू कवर 20 लाख फार्मर्स, ठीक है। मतलब सरकार जो है ये प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम जो है इसका दायरा बढ़ा रही है। इसकी फुल फॉर्म भी नोट कर लो, PM
KUSUM, यह प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान, ठीक है, मतलब हम इसको बोलेंगे PMKUSUM। एक एक जो शब्द है इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज लॉन्च दिस स्कीम PM कुसुम स्कीम फॉर द फार्मर्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर, ठीक है, तो इस वजह से ये योजना को लाया गया, तो ये भी किसानों के बारे में योजना है। रेलवे टू लॉन्च किसान रेल फॉर कोल्ड स्टोरेज, तो यहां पर आप देख ले दो चीजें हैं, एक है किसान रेल और एक है कृषि उड़ान, ठीक है, तो किसान रेल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा और कृषि उड़ान ये है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, ठीक है, तो इनको जो है अभी जो है जारी किया गया, ठीक है, ये अलग तरीके की दो योजनाएं हैं जिनको अभी जो है लाया गया है, ठीक है, इस बजट में। एक कहा गया यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, ठीक है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, टीबी, ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट कर लें टू एरिडिकेट ट्यूबरक्लोसिस बाय 2025, ठीक है, 2025 तक इसको ख़त्म करने की जो इन्होंने एक मुहिम है उसको बताया है कि 2025 तक हम इसको टीबी को ख़त्म करेंगे, और जो टैगलाइन क्या दी है टीबी हारेगा देश जीतेगा, ठीक है, ये आप नोट कर लें क्योंकि प्रपोज्ड जो डेट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कि कौन से ईयर में कौन सी चीज़ आए, किसानों की आए 2022, ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि टीबी के ऊपर जो अभी कहा गया है कि ट्यूबरक्लोसिस को कब तक ये ख़त्म कर देंगे तो 2025 तक, ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर पैरेलल नोट कर लें। फंड एलोकेटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ लद्दाख, ठीक है, देखो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों के लिए फंड एलोकेट किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो फंड एलोकेट है वो कितना है 30,757 करोड़, ठीक है, लद्दाख के लिए कितना है लगभग 6,000 करोड़, 5,958 करोड़, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इतना इतना फंड एलोकेट किया है, आप इसको एक बार नोट कर लें। DDT has been abolished in budget 2020, मतलब 2020 में DDT को ख़त्म कर दिया गया। DDT basically है क्या, ये है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक है, तो DDT का नामो निशान ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने बड़े कदम उठाए हैं। द मिनिस्टर सेट रेवेन्यू फॉरगॉन ड्यू टू DDT रिमूवल विल बी ₹25,000 करोड़, ठीक है, द फाइनेंस मिनिस्टर सेट डिविडेंड्स विल नाउ बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ रिसिपियंट्स, ठीक है, तो ये चीज़ भी आप नोट कर लें कि कौन से टैक्स को हटा दिया गया। आपसे पूछा जाएगा कि विच टैक्स हैज एबोलिस्ड इन दिस करंट बजट, ठीक है, कौन से टैक्स को यहाँ पर हटाया गया, तो इसका नाम आप यहाँ पर नोट कर लें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, दैट इज DDT, ओके। यहाँ पर एक गवर्नमेंट रजिस्टर नोवर थ्रेस होल्ड फॉर द ऑडिट ऑफ MSMEs अकाउंट्स ₹2.5 करोड़, मतलब पहले 1 करोड़ था अब कर दिया गया कितना 5 करोड़, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि कुछ फैसिलिटी आपको दे दी गई है जो MSMEs में है, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बिजनेस में है, तो जो टर्नओवर है, ठीक है, इसके ऑडिट के लिए इन्होंने कहा है अकाउंट्स ₹5 करोड़ एंड अ स्कीम टू प्रोवाइड सब ऑर्डिनेट डेप टू MSMEs एंटरप्राइजेस, ठीक है, तो मतलब मुद्दा यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि 1 करोड़ का पहले था अब हमने 5 करोड़ कर दिया है, ठीक है, ऑडिट की जो मेन यहाँ पर चीज़ है, ओके, वो आप नोट कर लें। यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट आप नोट कर लें बजट 2020 में विवाद से विश्वास स्कीम जो है डायरेक्ट टैक्स पेयर्स के लिए ये स्कीम लाई गई है। इसमें मेन फायदा क्या है, इसमें एक डेडलाइन दी गई है, ये है कि जो विवाद से विश्वास स्कीम है टैक्स पेयर टू पे ऑनली अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स, ठीक है, इनको क्या मिलेगा, विल गेट कंप्लीट वेवर ऑन द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इफ स्कीम इज अवेल बाय March 31st, 2020, ठीक है, मतलब इन्होंने कहा है कि 31 मार्च 2020 तक अगर स्कीम को एडॉप्ट कर लिया जा रहा है तो क्या है कि वहां पर केवल जो डिस्प्यूटेड टैक्स है उसको ही आप पे करो और विल गेट कंप्लीट वेवर ऑन इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, ये यहां पर मेन फायदा दिया गया है, ओके। मेन एजेंडा क्या है इस स्कीम का, रिडक्शन ऑफ टैक्स लिटिगेशन, ठीक है, अब यहाँ पर आपने देख लिया होगा जैसा कि जो टैक्स के रेट्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अगर मैं बता दूं कि 5 लाख से कम एग्जेम्प्टेड है और 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में 10% का है, 7.5 लाख से 10 लाख का 15% है और 10 से 12.5 लाख 20% और 12.5 लाख से 15 लाख 25% और अगर 15 लाख से ऊपर है तो यहाँ पर 30% के टैक्स रेट्स यहाँ पर हैं, ओके। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, वो भी आप जाकर चैनल पर चेक कर सकते हैं। एक न्यूज़ और साथ में दी है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको पैन कार्ड के लिए कोई फॉर्म लंबा चौड़ा भरने की ज़रूरत नहीं है,
हैव आधार कार्ड गेट पैन कार्ड इंस्टेंटली विदाउट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब तुरंत आपको जो है पैन मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि ये पूरा जो बजट है इसमें रुपीज़ आता कहाँ से है और जाता कहाँ पर है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप एक बार देख लें। इनकम टैक्स से 17% जो है ये आता है, ठीक है। और भी मेज़र क्या है, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़ यहाँ से 20% है, जो मेज़र है मैं उसकी बात यहाँ पर कर रहा हूँ। कॉरपोरेशन टैक्स जो है यहाँ से 18% है, ठीक है, जीएसटी से 18% है। इसके अलावा नॉन टैक्स रिवेन्यू 10%, कस्टम से 4%, ठीक है, जो यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ हैं यहाँ से 7% है, और जो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट हैं, ठीक है, एनडीसी, तो यहाँ से 6% है। तो ये इन्होंने पूरा बताया कि रुपीज़ कम्स फ्रॉम, हमारे पास एक रुपया आता कहाँ से है, ठीक है, और इन्होंने बताया कि अब रुपीज़ जाता कहाँ पर है, ठीक है, उसमें जो मेजर पोर्शन है वो कहाँ पर जाता है, वो जाता है स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज 20% चला जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट पर 18% जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पर, जो केंद्रीय सरकार केंद्रीय स्कीम्स हैं इन पर 13%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स 10% यहाँ पर जाता है, अदर एक्सपेंडिचर पर भी 10% है, बाकी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है यहाँ पर 9% है, पेंशन पर 6% जाता है, सब्सिडीज जो दी जाती हैं इस पर 6% जाता है, और डिफेंस पर 8%, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके का पूरा प्रारूप है, ओके। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे नए क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं, आपने कहीं से भी बजट पढ़ाओ, लेकिन अगर आप ये पढ़ रहे होगे थोड़ा सा रिवाइज भी हो गया होगा और भी नए क्वेश्चन मिल गए होंगे। अगर आपको ये बेनिफिट लगा हो सेशन तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और अपने कमेंट जरूर देना, और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो ताकि आपको कहीं पर कोई परेशानी हो तो आप यहाँ पर मैसेज कर लो, ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं आप लोग। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, आई होप आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करोगे, शेयर करोगे और अपने प्यारे कमेंट्स जरूर यहाँ पर शेयर करोगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।